तो भाई यार आपने अपना पूरा पीसी बिल्ड कर लिया, उसमें जो है आपने एक अच्छा खासा केस चूज़ किया है, केस में जो है काफ़ी सारे RGBs लगा रखे हैं, अच्छा खासा एक सुंदर देखने वाला ग्राफिक कार्ड ऐड किया है, सभी कुछ यहाँ पे अच्छा चूज़ किया है। बट लास्ट मोमेंट पे आप देखते हो कि आपका जो पावर सप्लाई का जो स्टॉक मस्टर्ड केबल्स है वो आपके सेटअप के साथ कुछ अच्छे तरीके से मैच नहीं हो रहा है या फिर थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तो नॉट टू वरी माय फ्रेंड, इस सिचुएशन में आप जो है कस्टम स्लीव केबल्स का यूज़ कर सकते हो टू एलिवेट योर गेमिंग सेटअप या फिर गेमिंग रिग या फिर पीसी सेटअप। और मैंने भी अपना पीसी में कुछ इस तरीके का कस्टम स्लीव केबल यूज़ कर रखा है जो कि मेरा पीसी को जो है काफ़ी एक अच्छा एंड मिनिमल लुक यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और आज के इस वीडियो में इसी केबल्स का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। और ये जो केबल्स हैं कस्टम स्लीव केबल्स आते हैं वो आते हैं सैमसंग मॉज की तरफ से, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का यहाँ पे कस्टम स्लीव केबल्स यहाँ पे बनाते हैं पीसीज के लिए। और यार सैमसंग मॉज का सबसे अच्छा चीज मुझे ये लगा कि सेंसई मोड्स आपको कस्टमाइजेशन का यहाँ पे फीचर ऑफर करता है, यानी कि अगर आप कोई उनसे स्लीप केबल लेना चाहते हो तो आप जो उसको अपने तरीके से अपने पैटर्न में यहाँ पे कंफिगर कर सकते हो। यहाँ पे आपको रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, किस तरीके का पैटर्न आपको बनाना है वो जो है आप उनका वेबसाइट से बना सकते हो। और एक बार सेटिस्फाई होने के बाद जो है आप अपना ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। और ये जो फीचर है ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो सेटअप है वो यहाँ पे काफ़ी कलरफुल होते हैं या फिर बहुत सारे लोगों का सेटअप जो है काफ़ी ना ब्लैक एंड वाइट टाइप का होता है। तो आप अपने सेटअप के हिसाब से कोई भी कस्टम पैटर्न बना सकते हो। एक बार सेटिस्फाई होने के बाद जो आप इनका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, या फिर आपको सिर्फ सॉलिड कलर्स चाहिए तो वो जो है आप अमेजोन से भी परचेस कर सकते हो। बहुत सारे सॉलिड कलर्स स्लीव्स केबल्स यहाँ पे उनके पास अवेलेबल है। और इन दी एंड अगर आपको ये जो स्लीव केबल्स है वो पसंद आता है, आप भी अपना सेटअप में यहाँ पे ऐड करना चाहते हो या फिर लगाना चाहते हो, तो इनका जो बेस्ट वाला लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, अमेजोन का लिंक एज वेल एज अगर आप यहाँ पे कस्टमाइज करके यहाँ पे बनाना चाहते हो उसका लिंक भी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली खरीद सकते हो। बट खरीदने से पहले लॉन्च 10 का कूपन कोड लगाना ना भूले, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यार अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स चेक आउट दिस सैमसंग मॉड्स पीएसयू स्लीप केबल्स। तो सैमसंग मॉड अभी काफ़ी सालों से कस्टम स्लीव्स बना रहा है इंडिया में, वो भी क्वालिटी को देखते हुए इसका प्राइसिंग जो है काफ़ी अच्छा है। चाहे आप इनका सॉलिड कलर वाला कस्टम स्लीव्स ले लो या फिर आप जो है खुद से कस्टमाइज करके इनका जो कस्टम पैटर्न बना लो, प्राइस आपका सेम रहेगा विच इज 3500। तो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना नहीं पड़ रहा है। पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग इसका काफ़ी सिंपल है, एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, सामने में आपको सैमसंग मॉड्स लिखा गया है और पीछे आपको बॉक्स कॉन्टेंट एंड प्राइस टैग भी दिख जाता है। तो पैकेजिंग इसका बहुत ही सिंपल है और बॉक्स में आपको सबसे पहले एक वेलकम कार्ड देखने को मिल जाएगा जहाँ पे इनका सारे के सारे केबल्स एंड कलर ऑप्शंस के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपको एक बहुत ही बढ़िया सा पाउच में इसका सारा का सारा केबल्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई केबल यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप जो है उसको सेफली इस पाउच के अंदर रख सकते हो, एंड पाउच का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। इस पाउच में आपको 4 केबल्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि एक 24 पिन 8X केबल, उसके बाद 2 8 पिन PCIe केबल आपका ग्राफिक कार्ड के लिए, और आपका CPU के लिए एक EPS केबल भी देखने को मिल जाता है। बट अगर आपको यहाँ पे 2 EPS केबल्स चाहिए, यानी कि आपका मदरबोर्ड जो 2 EPS केबल जो यहाँ पे रिक्वायर करते हैं, तो आप जो एक एडिशनल यहाँ पे EPS केबल उनसे यहाँ पे मंगवा सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब केबल लेंथ या फिर लंबाई की बात करते हैं, ये सारे के सारे केबल जो है यहाँ पे 30 cm करके दिया गया है, यानी कि ईच केबल जो है 1 फिट लॉन्ग है, जो कि आपके किसी भी तरीके का बिल्ट में आराम से फिट हो जाएगा, क्योंकि ऑल इन ऑल आपको ये सारे जो केबल्स हैं उसको अपना पावर सप्लाई के केबल के साथ भी जोड़ना है, एंड पावर सप्लाई के केबल्स जो ऑलरेडी लॉन्ग होते हैं, तो उस हिसाब से ये सारे केबल्स का जो लेंथ है वो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, ये सभी केबल का जो बिल्ड क्वालिटी एंड फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छा है, एज यू शुड एक्सपेक्ट एट दिस प्राइस रेंज। स्लीव क्वालिटी काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा आप इसको पकड़ के या फिर बेंड करते वक्त ही फील कर सकते हो। और ये सभी केबल्स का हर एक चीज़ आप जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज या फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, चाहे वो पर वायर कलर हो या फिर
होल्डिंग कॉम्स की बात कर रहे हो या फिर इवन जो ब्लैक कनेक्टर्स हैं उसको भी आप व्हाइट में मंगवा सकते हो। तो यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन बहुत सारे देखने को मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से, अपने मर्जी मुताबिक आप जो है हर एक चीज़ को यहाँ पे कस्टमाइज करके आप अपना जो ऑर्डर है वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अब कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, ये जो सनस्टीम वॉच का स्लीव केबल्स है ये किसी भी पावर सप्लाई के साथ कंपैटिबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉड्यूलर पावर सप्लाई होगा आपके पास तो ही आप जो इनको लगा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनस्टीम वॉच का ये जो केबल्स है इसको आप सभी के सभी पीसी के साथ लगा सकते हो, चाहे आपके पास चीप से चीप पावर सप्लाई हो एज वेल एज जो हाई एंड पावर सप्लाईज अगर आपके पास है। इट हैज़ यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी, यानी कि आप जो इसको किसी भी पीसी के साथ, किसी भी पावर सप्लाई के साथ यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि इसको इंस्टॉल करना जो है काफ़ी आसान है। आपको बस इसका केबल्स का जो पावर सप्लाई वाला एंड है वो एंड को आपको अपना पावर सप्लाई वाला केबल्स के साथ अटैच करना है, लाइक 24 पिन के साथ यहाँ पर 24 पिन केबल, उसके बाद ईपीएस केबल के साथ यहाँ पर आपको ईपीएस केबल अटैच करना है कुछ इस तरीके से, एंड यू आर गुड टू गो। एंड जब आप सनस्टीम वॉच का ये सारे स्लीव्स केबल्स को अपने पीसी में लगाओगे तो आपका पीसी का जो लुक है वो यहाँ पर टोटली चेंज हो जाता है, एंड इट लुक्स रियली मिनिमल एंड अमेजिंग। आप यहाँ पे देख ही सकते हो मैंने अपना पीसी में लगा रखा है, पर्पल एंड ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कस्टमाइज किया हुआ है, एंड फाइनल लुक जो मेरे पीसी को मिल रहा है वो यहाँ पे एस्थेटिक वाइज जो है काफ़ी प्लीजिंग है एंड काफ़ी जो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जो कि स्टॉक पावर सप्लाई केबल के साथ काफ़ी बेकार लग रहा था, आपको मैंने पहले भी दिखाया हुआ था। तो अगर आप भी अपने पीसी को परफॉर्मेंस के साथ साथ एस्थेटिक वाइज भी अपग्रेड करना चाहते हो तो गेट वन ऑफ दिस सनस्टीम वॉच स्लीव केबल किट एंड योर पीसी विल बी कंप्लीट। द ओनली प्रॉब्लम विद स्लीव केबल्स इज कि अगर आपके पास एनजेक्सी ऐसा कोई केस है जहाँ पे आपको केबल चैनल्स देखने को मिल जाता है पीछे अच्छे तरीके से केबल मैनेजमेंट करने के लिए, या फिर कोई इसी तरीके का यहाँ पे कोई भी केस है जहाँ पे आपको केबल चैनल्स दिया जाता है अच्छे तरीके से यहाँ पे केबल मैनेजमेंट करने के लिए, तो वो सारे केसेस के साथ अगर आप यहाँ पे स्लीव केबल्स लगाते हो तो आपका जो इंटीग्रेटेड केबल चैनल्स है उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्लीव केबल्स जो है यहाँ पे टोटली फ्लैट डिज़ाइन में आता है, ना ही राउंड डिज़ाइन में। तो यहाँ पे आपका जो 24 पिन वाला जो केबल है वो यहाँ पे विदाउट केबल चैनल आपको यहाँ पे केबल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बाकी लुक्स वाइज, एस्थेटिक वाइज यहाँ पे आपका पीसी जो है काफ़ी सुंदर दिखेगा एंड काफ़ी मिनिमल दिखेगा। यहाँ पे आपका जो मस्टर्ड केबल्स है वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो वो जो है काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आप जो है अपना पैटर्न का कोई भी यहाँ पे कस्टम स्लीव केबल्स अपने सीपीयू में ऐड कर सकते हो, और ऐड करके जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक पा सकते हो अपने सीपीयू से, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपको मिनिमल लुक पसंद है तो उसमें भी ये जो कस्टम स्लीव्स हैं, स्लीव केबल्स है, वो यहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगा। तो लास्ट में मैं आपको ये छोटा सा कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक पावर सप्लाई केबल्स के साथ मेरा पीसी कैसा लग रहा था एंड ये जो सनस्टीम वॉच केबल्स का जो कस्टम स्लीव्स है उसको लगाने के बाद मेरा पीसी जो है कैसा लग रहा है। सो हियर यू गो। सो दैट वॉज प्रीटी मच ऑफ इट गाइज। आपने देखा कि एक सिंपल सा पावर सप्लाई एक्सटेंशन या फिर स्लीव केबल जो है आपका पीसी को कितना अच्छा लुक प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आपके पीसी का जो लुक्स है, एस्थेटिक्स है, उसको कितना यहाँ पे हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। यहाँ पे आप मेरा जो पीसी है उसको एग्जांपल देख के समझ सकते हो। तो यार इन दिन अगर आपको ये वाला वीडियो से थोड़ा सा हेल्प मिला है तो मेक श्योर के वीडियो को लाइक कर दें। साथ साथ अगर आपको ये सनस्टीम वॉच का कस्टम स्लीव केबल्स पसंद आया है तो इनका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ये जो स्लीव केबल्स है उसको जो है डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, साथ साथ हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए यार बाय बाय।